महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छत्रपति संभाजीनगर कैंटोनमेंट इलाके में मौजूद कपड़ा दुकान में आग लग गई, जिसमें महिलाएं बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। साथ ही एक स्कूटी भी आग की चपेट में आ गई। पुलिस आयुक्त मनोज लोहिया ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 4 बजे छत्रपति संभाजीनगर के छावनी इलाके में एक कपड़े की दुकान में आग लगने की सूचना मिली। तब तक आग दूसरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन शुरुआती जांच के बाद 7 लोगों की दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। आग क्यों लगी, फिलहाल ये वजह साफ नहीं है। छत्रपति संभाजीनगर इलाके के छावनी परिसर में आज असलम टेलर नाम का ये दुकान है, मेन मार्केट एरिया है। यहाँ पर काफी जगह नीचे दुकान और ऊपर लोग रहते हैं, तो यहाँ पर भी असलम टेलर का जो टेलरिंग शॉप था, वो टेलरिंग शॉप में आग लगी है। पुलिस को 4:15 को इसकी खबर लगी, इसका मतलब ये लगभग 4 बजे के आसपास ये आग लगी, ऐसा हमारा अनुमान है। आग की लपटें जो है वो सेकंड फ्लोर तक गई नहीं, लेकिन हमें लगता है कि सफोकेशन की वजह से इसमें 7 कैजुअल्टी हुई है। 7 कैजुअल्टी में 2 पुरुष है, 2 बच्चे हैं और 3 महिलाएं हैं। अभी एग्जैक्ट आग का कारण जो है वो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। पुलिस अफसरों ने बताया कि जहां आग लगी वो इस इलाके का मेन मार्केट एरिया है, जहां घरों के नीचे दुकानें हैं और ऊपर लोग रहते हैं। यह आग असलम टेलर की दुकान में लगी थी, इसकी सूचना पुलिस को 4:15 पर मिली।